हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एच एल पी डिजिटल क्लासेस में स्वागत है। आज लेकर आए हैं क्लास 12 का पार्ट 12। ये 18 जनवरी से आप लोगों को और भी बेहतर तैयारी करवाने के लिए, कम दिनों में बेहतर तैयारी के लिए आप लोग जुड़ते रहिए एच एल पी डिजिटल क्लासेस से। ये प्रीवियस ईयर के अगला पार्ट नए क्वेश्चन के साथ, ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इसका पहला क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, यदि y बराबर 4t और x बराबर 4t, तो dy by dx का मान ज्ञात कीजिए। और यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है -t², दूसरा है -1/t², और तीसरा है -1/t, और चौथा है t³। तो सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। वन का जो पहली समीकरण है y के फॉर्म में दी गई है, y बराबर 4t है, और दूसरी समीकरण x बराबर दी गई है, x बराबर है 4/t। और क्वेश्चन में बताया गया है कि dy by dx का मान ज्ञात कीजिए। तो dy by dx निकालने के लिए सबसे पहले फर्स्ट समीकरण को y बराबर 4t यानी t के पक्ष में दिया गया है, तो इसका t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो y का हो जाएगा dy/dt। 4 कांस्टेंट वैल्यू है, dy/dt करना है t का, तो यहाँ से dy/dt बराबर 4। आपको पता है जो t होता है उसका t के सापेक्ष हम अवकलन करेंगे तो ये 1 आ जाएगा। तो यहाँ से dy/dt की जो वैल्यू होगी ये 4 आ गई यहीं से। दूसरा, x बराबर t के पदों में दिया गया, यानी x को इसको लिखना चाहे तो 4t को t^-1 लिख सकते हैं टू में, तो यहाँ से t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो x का हो जाएगा dx/dt। 4 यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू है, dy/dt करना है t^-1 का, तो ये आ जाएगा dx/dt बराबर 4×t^-1। आपको पता है यदि अवकलन करते हैं किसी की पावर होती है तो गुणे में वो आ जाती है, तो ये आ जाएगा -1, और t^-1 और एक पावर उसमें -1 ऐड भी होती है, तो यहाँ से dx/dt बराबर 4 का -1 से गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा -4t^-2। यहाँ पर इस समीकरण को फर्स्ट मान लेते हैं और इस समीकरण को सेकंड मान लेते हैं। यहाँ से निकालना है dy/dt, तो dy/dt हल कर लेते हैं, यानी समीकरण फर्स्ट को हम समीकरण 2 से डिवाइड करेंगे। यदि फर्स्ट को 2 से डिवाइड करेंगे तो dy/dt होगा dx/dt, तो यहाँ से dt/dt क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। लिख लेते हैं समीकरण फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकंड, यहाँ से dy/dt डिवाइड करना है dx/dt से। dy/dt का मान 4 है, बटे में dx/dt -4 और t^-2 है, यहाँ से dt/dt कैंसिल हो जाएगा। आगे इसको सॉल्व करेंगे, dt/dt कैंसिल हो गया तो ये आपका बचेगा dy/dx, यहाँ पर 4 है, इस t को हम गुणे में लिखेंगे तो t^+2 हो जाएगा, और माइनस को ऊपर लिख लेते हैं बटे में 4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से dy/dx की जो वैल्यू आ जाएगी तो t^-2 है। तो आपको यहाँ से dy/dx का मान निकालना था और इसका मान आ गया है -t². यदि यहाँ पर ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन में पहले का फर्स्ट आंसर सही है, -t^t² आई। होप आप लोगों के क्वेश्चन समझ में आया होगा, आप लोग इसको नोट जरूर करते रहिएगा। इसका अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया गया है, यदि a बराबर कॉलम में है 0 1 1 0 तथा b बराबर 1 0 और 0 -1, तब b a ज्ञात करना है। यहाँ से a और b की वैल्यू दी गई है और b into a यहाँ से निकालना है। अगला क्वेश्चन नोट कर लेते हैं यहाँ से, 1 का ख नंबर, a बराबर दिया गया है यहाँ पर 0 1 1 0, b बराबर दिया गया है
बी बराबर वन जीरो जीरो माइनस वन। यहाँ से b इंटू ए निकालना है तो b इंटू ए निकालेंगे, तो b इंटू ए, तो सबसे पहले b है तो b क्या मान रखेंगे, वन जीरो जीरो माइनस वन इंटू ए का मान पुट अप करेंगे जीरो वन वन जीरो। आपको पता है यदि डॉट डॉट प्रोडक्ट होता है तो यानी डॉट मैट्रिक्स में हम रो का कॉलम में गुणा करते हैं, तो इसका यहाँ से गुणा कर लेंगे, वन का जीरो से करेंगे जीरो हो जाएगा, प्लस जीरो का वन से करेंगे तभी ये जीरो ही आएगा, फिर फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम के साथ वन का वन से गुणा करेंगे वन आएगा, प्लस जीरो का गुणा जीरो हो जाएगा, फिर सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ तो जीरो माइनस वन, जीरो का वन से करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, माइनस वन का जीरो करेंगे तो ये भी जीरो हो जाएगा, तो यहाँ से जीरो में जीरो जोड़ेंगे जीरो ही रहेगा, वन प्लस जीरो वन, और वन माइनस जीरो यानी माइनस का वन हो जाएगा, और जीरो से जीरो माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा जीरो माइनस वन वन और जीरो, ये मान आ गया है आपका बी इंटू ए का। आई होप आप लोगों के समझ में आया होगा, तो यहाँ से देख लेते हैं इसका ऑप्शन, तो यदि इसका ऑप्शन देखें तो इसका ऑप्शन नंबर जीरो माइनस वन और वन, इसका फोर नंबर आंसर, हाँ फोर नंबर में खा का फोर नंबर जीरो माइनस वन वन और जीरो, और यही प्रूव करने पर यानी हल करने पर आया है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इसका अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया गया है वक्र y बराबर टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री साइन एक्स के x बराबर जीरो पर अभिलंब का ढाल होगा, तो ये जो क्वेश्चन है आपके सिलेबस से हटा दिया गया है तो इसको छोड़ देते हैं। अगला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन, जीरो से लिमिट दी गई है इंटीग्रेशन की वन टू रूट थ्री है, डी एक्स अपान में वन प्लस एक्स स्क्वायर, इसका मान बताना है और ऑप्शन में चार ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, तो सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये फर्स्ट का घ नंबर सवाल है, इंटीग्रेशन वन से रूट थ्री वन अपान में वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, यहाँ से समाकलन करेंगे इसका तो लिमिट इसकी वन से रूट थ्री ही रहेगी। आपको पता है वन अपान वन प्लस एक्स स्क्वायर जो होता है ये होता है टैन इनवर्स एक्स, तो यानी ये आ जाएगा आपका टैन इनवर्स एक्स और लिमिट वन से रूट थ्री, यहाँ से लिमिट अप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा टैन इनवर्स, अपर लिमिट एक्स है तो रूट थ्री हो, सॉरी रूट थ्री एक्स स्थान पर रूट थ्री हो जाएगा, लोअर लिमिट जब भी लगाते हैं तो माइनस साइन के साथ, तो ये हो जाएगा टैन इनवर्स वन है तो एक्स के स्थान पे वन मान पुट अप कर देंगे, यहाँ से टैन इनवर्स रूट थ्री, आपको पता है जो टैन इनवर्स रूट थ्री होता है इसको हम लिख सकते हैं टैन टैन 60 डिग्री का मान होता है तो इसको हम लिख सकते हैं पाई बाई थ्री माइनस टैन इनवर्स वन जो होता है ये होता है टैन 45 अंश का मान, और टैन 45 अंश को यदि हम रेडियन फॉर्म में लिखेंगे यानी पाई के रूप में तो इसको लिख सकते हैं पाई बाई फोर, तो यहाँ से टैन और इससे टैन से टैन कैंसिल हो जाएगा, ये आपका बचेगा पाई बाई थ्री और माइनस का पाई बाई फोर, यहाँ से हर इनके समान नहीं है तो इनके हर समान करेंगे तो चार तई 12 हो जाएगा, या जाएगा 4 पाई माइनस का 3 पाई, यहाँ से 4 पाई से 3 पाई को माइनस करेंगे तो 4 से यानी 4 से 3 पाई को माइनस करेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा पाई बटे 12। आई होप आप लोगों के समझ में आया होगा, तो यहाँ से देख लेते हैं इसका कौन सा ऑप्शन सही है, तो यदि यहाँ से देखें तो इसका सेकेंड ऑप्शन में दिया गया पाई बटे में 12, तो ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। इसका अगला क्वेश्चन है मापांक फलन एफ सच दैट आर टेंस टू आर प्लस कामा एफ एक्स बराबर मॉड एक्स फलन के द्वारा प्रदत्त है वह होगा, तो चार ऑप्शन दिए गए हैं तो यहाँ से बताना है कि ये कौन सा सही होगा, तो देख लेते हैं यहाँ से। यहाँ से नोट कर लेते हैं क्वेश्चन, तो यहाँ से दिया गया है फर्स्ट का अंगा नंबर यह है एफ सच दैट आर टर्न्स टू आर प्लस, यानी रियल नंबर जो है यदि यहाँ से रियल नंबर ले
तो रियल नंबर आपको पता है ये प्लस माइनस दोनों में लिए जाएंगे, लेकिन जो इसका प्रतिबिंब यानी जो इसकी इमेज बनेगी वो आर प्लस यानी केवल प्लस नंबरों में ही आनी चाहिए। और यहीं पर दिया गया है फंक्शन एफ एक्स जो है एफ एक्स बराबर है मॉड एक्स के। तो यदि यहाँ से फंक्शन हम एक बार मान ले एक्स बराबर, हमें इस आर को लेना है तो ये आर जो होगा यहाँ पर प्लस वन भी होगा माइनस वन भी होगा यदि रखेंगे तो इसको लिख सकते हैं माइनस टू कामा माइनस वन कामा जीरो कामा वन कामा टू कामा डॉट डॉट डॉट। तो यदि यहाँ से एफ एक्स का मान एक्स बराबर यदि माइनस टू रखेंगे या एक्स बराबर माइनस वन, यदि एक्स के स्थान पे माइनस वन रखेंगे तो मॉड एक्स के बराबर ये भी माइनस वन होगा। तो मॉड से आपको पता है यदि कोई भी वैल्यू मॉड से बाहर निकाली जाती है तो प्लस में हो जाती है, और यदि एफ बराबर वन रखेंगे तो वन होगा, इसको भी मॉड से हम बाहर निकालेंगे तो ये भी वन होगा। यदि यहाँ से देखें तो एफ एक्स मॉड एक्स यानी जो इसका प्रतिबिंब या जो इसकी इमेज प्राप्त होगी वो सेम है। यहाँ से यदि ए ले ले और इधर एक बी है कोई, और यहाँ से माइनस टू माइनस वन जीरो वन टू डॉट 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 ऐसे ही टू वन जीरो वन टू। तो यहाँ से यदि माइनस वन ले रहे थे तब भी इसकी इमेज वन बन रही है, और प्लस वन लेने पर भी इसकी इमेज वन बन रही है। तो इसका मतलब ये क्या होगा, जब इस तरह की कंडीशन बनती है तो इसको हम बोल देते हैं बहुएकाकी फलन है। तो ये जो फलन होगा ये होगा बहुएकाकी, लेकिन ये फलन जो होगा ये अच्छा तक भी होगा क्योंकि रियल नंबर है ये भी और ये भी रियल नंबर है। तो यहाँ पर जो सह प्रांत होगा, सह प्रांत वो परिसर के बराबर होगा, और यदि सह प्रांत परिसर के बराबर होता है तो फलन अच्छादक होता है। तो यानी ये जो फंक्शन होगा ये होगा बहुएकाकी होने के साथ साथ अच्छादक भी होगा तथा अच्छादक होगा। तो ये ऑप्शन देख लेते हैं कि बहुएकाकी तथा अच्छादक है कोई फंक्शन, यदि यहाँ पर कोई ऑप्शन ऐसा होगा तो ऐसे ही होगा। तो इसका देखते हैं दूसरा ऑप्शन, यही दिया गया कि बहुएकाकी तथा अच्छादक है। आई होप आप लोगों के समझ में आया होगा। अब इसके अगले क्वेश्चन है दो नंबर के, और ये भी देखिए एक एक नंबर में ही पूछे जाते हैं, यहाँ से नोट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन इसका, मान ज्ञात करना है इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर साइन एक्स क्यूब डी एक्स का, टू का नंबर है, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर साइन एक्स क्यूब डी एक्स। यहाँ से एक्स क्यूब दिया गया है, यहाँ पर ये जो साइन क्या एंगल है ये एक्स क्यूब है, तो इस एक्स क्यूब को हम मान लेते हैं कि माना एक्स क्यूब टी के बराबर है। यदि इसका एक्स क्यूब का अवकलन करेंगे तो यह आ जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये बराबर आएगा डी टी के। यदि यहाँ से देखें तो एक्स स्क्वायर डी एक्स ही है, तो इसे थ्री को हम पक्षांतर कर देते हैं, यानी एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर यहाँ पर बचेगा तीन, इधर गुणे में था इसको पक्षांतर करेंगे तो ये बटे में आ जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर डी एक्स के स्थान पर हम डी टी अपान में थ्री लिख सकते हैं। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर और डी एक्स के स्थान पर थ्री डी टी बाई थ्री हो जाएगा, और एक्स के स्थान पे टी आ जाएगा, यानी ये आ जाएगा साइन टी, एक्स क्यूब का मान टी माना गया तो टी आ जाएगा, और डी एक्स एक्स स्क्वायर और डी एक्स ये बराबर डी टी बाई थ्री के, तो ये आ जाएगा डी टी बाई थ्री। तो वन अपान में थ्री जो है ये कांस्टेंट वैल्यू है, इसको बाहर निकाल लेते हैं तो ये आपका बचेगा साइन टी डी टी। और आपको पता है कि जो साइन टी होता है इसका समाकलन माइनस कॉस टी होता है, तो ये आ जाएगा माइनस कॉस टी प्लस सी, माइनस का कॉस टी बटे में थ्री प्लस सी लिख सकते हैं इसको। यहाँ पर मान पुटअप कर देंगे टी का, तो जो टी है वो एक्स क्यूब के बराबर है, तो ये आ जाएगा आपका एक्स क्यूब बटे में थ्री प्लस सी। आई होप आप लोगों के समझ में आया होगा। इसका अगला क्वेश्चन है, यदि सदिश 2i प्लस जे माइनस ए के तथा i प्लस 4j प्लस के परस्पर लंबवत है तो
a का मान ज्ञात कीजिए। यहां से a का मान ज्ञात करना, और बताया गया ये जो दोनों सदिश दिए गए हैं, ये दोनों सदिश यानी a 2i plus j minus a k तथा i plus 4j plus k, ये दोनों परस्पर लंबवत हैं। आपको पता है यदि ये लंबवत होते हैं सदिश में तो इनका जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो जीरो के बराबर होता है। तो वहां से a डॉट b का डॉट प्रोडक्ट लगा के वहां से हमें a का मान निकाल लेना है। तो सबसे पहले यहां पर नोट कर लेते हैं जो समीकरण दी गई है, यहां से यह है दो नंबर का खा नंबर सवाल। यहां से मान लेते हैं ए वन बराबर जो दिया गया है यह है टू आई प्लस जे माइनस ए के। यहां से ए टू बराबर मान लेते हैं, ए टू बराबर जो दिया गया है वो है आई प्लस फोर जे और प्लस के। बताया गया ये दोनों परस्पर लंबवत हैं। यदि परस्पर लंबवत हैं तो आपको पता है यहां से लिखेंगे भी परस्पर लंबवत है, तो यदि परस्पर लंबवत है तो ए वन डॉट ए टू ये जो होगा ये जीरो के बराबर होगा। तो यहां से ए वन का मान रखेंगे टू आई प्लस जे माइनस ए के इंटू दूसरे ब्रैकेट में ए टू का मान आई प्लस फोर जे प्लस के, ये बराबर जीरो के हैं। आप लोगों को पता है ये जो डॉट प्रोडक्ट में होता है आई का आई से आई के गुणांक से गुणा होता है, जे का जे के गुणांक से और के का के गुणांक से के साथ में गुणा होता है। तो यदि यहाँ पर रखें तो आई का गुणांक वन है और यहाँ पर आई का गुणांक टू है, तो दो एक कम दो हो जाएगा प्लस जे का गुणांक फोर है, यहाँ पर जे का गुणांक फोर है तो फोर एक कम फोर हो जाएगा माइनस के का गुणांक वन है और यहाँ पर के का गुणांक ए है तो ए का वन से गुणा करेंगे तो ए ही आएगा बराबर में, ये जीरो के हो जाएगा। यहाँ से चार और दो दोनों प्लस में है सिक्स हो जाएगा माइनस का ए बराबर में जीरो। सिक्स को पक्षांतर कर देते हैं तो यहाँ से माइनस ए बराबर आ जाएगा माइनस सिक्स, माइनस माइनस ये दोनों प्लस हो जाएंगे तो ए बराबर आंसर यहाँ पर आ जाएगा सिक्स। आई होप आप लोगों के समझ में आया होगा। और यहाँ पर ए का मान ही निकालना था, फाइंड आउट करना था क्योंकि दिया गया था, तो ए का मान ज्ञात कीजिए। ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। इसका अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया गया है हल कीजिए dy वाई बाई डी एक्स बराबर एक्स प्लस ई की पावर x बटे में y। तो यहां से सबसे पहले क्वेश्चन नोट कर लेते हैं इसका। क्वेश्चन दिया गया है इसका टू का गा नंबर सवाल है dy वाई बाई डी एक्स ये बराबर है x प्लस ई की पावर x बटे में y के। यहाँ से यदि इन यहाँ पर देखें तो जो y है तो y का हम dy के साथ और x का dx के साथ समाकलन करेंगे, तो इधर y को पक्षांतर कर देते हैं, ये इधर बटे में इधर आएगा तो गुणे में हो जाएगा, तो यह हो जाएगा y dy बराबर x प्लस ई की पावर x इंटू में डी एक्स आ जाएगा। दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे तो इंटीग्रेशन वाई डी वाई बराबर इंटीग्रेशन एक्स प्लस ई की पावर एक्स डी एक्स। यहाँ पर देखो प्लस लगा इसलिए इसको हम इंटीग्रेशन दोनों में गुणा कर सकते हैं, तो इंटीग्रेशन वाई डी वाई बराबर इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स लिख सकते हैं प्लस इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स डी एक्स लिख सकते हैं। यहाँ से y का जो अवकलन होगा वो हो जाएगा वाई स्क्वायर बाई टू बराबर x का करेंगे तो ये भी आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस e की पावर x का समाकलन जो होता है ये e की पावर x ही होता है, ये आप लोगों को पता है, प्लस का कांस्टेंट x ही जुड़ जाता है। यहाँ से हमें y का मान निकालना है तो वाई स्क्वायर बराबर यहाँ से वाई स्क्वायर बराबर निकालेंगे तो दो जो बटे में है इसको गुड़े में भेजेंगे तो यहाँ से वाई स्क्वायर बराबर टू इधर बटे में इधर आएगा तो गुड़े में आ जाएगा, ये आपका है एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ से हर बराबर कर लेते हैं इसका तो इधर टू से गुणा करेंगे तो टू ई की पावर एक्स हो जाएगा प्लस टू सी हो जाएगा और बटे में टू।
तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, वाई स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2 ई की पावर एक्स प्लस 2c। यहाँ पर जो 2c है इसको मान लेते हैं कि जो 2c है ये c1 एक नए कांस्टेंट c1 के बराबर होगा, तो ये वाई स्क्वायर बराबर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 ई की पावर एक्स प्लस c1। आई होप आप लोगों के समझ में आया होगा और आप लोग इसको नोट भी कर रहे होंगे। इसका अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया गया है यदि साइन इनवर्स 1/2 बराबर है टैन इनवर्स एक्स के, तो यहाँ से एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से हमें मान ज्ञात करना है एक्स का, यहाँ से मान ज्ञात कर लेते हैं एक्स का। नोट करते हैं पहले क्वेश्चन यहाँ पर, 2 का घ नंबर सवाल है, ये दिया गया साइन इनवर्स 1/2 बराबर में है टैन इनवर्स एक्स के, और यहाँ से एक्स का मान ज्ञात करना है। तो आपको पता जो साइन इनवर्स 1/2 है, ये 1/2 साइन 30 अंश का मान होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन पाई बाई 6 बराबर में है टैन इनवर्स एक्स के। तो यहाँ से साइन कैंसिल हो जाएगा, ये आपका बचेगा पाई बाई 6 बराबर टैन इनवर्स एक्स के। तो ये जो टैन इनवर्स को यदि हम पक्षांतर करें तो ये इधर आएगा, तो ये आ जाएगा टैन पाई बाई 6, ये बराबर में है एक्स के। तो यहाँ से जो टैन 60 अंश है, तो टैन 60 अंश का मान आपको पता है कि √3 होता है, तो ये आ जाएगा √3 एक्स बराबर, यहाँ से एक्स का मान ही निकालना था और ये हो जाएगा √3। आई होप आप लोगों के समझ में आया होगा। इसका अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया गया है यदि a बराबर 2 रो में है 2-4 और R2 में रो में है 3-2 तथा b बराबर 1-3-2-5, तो a प्लस बी तथा a माइनस बी का मान ज्ञात करना। यहाँ पर a और b का मान ऑलरेडी दिया गया है, तो यहाँ से पहले a और b का मान पुटअप कर लेते लिख लेते हैं यहाँ से। चार नंबर का है अंगा नंबर सवाल, टू का है अंगा नंबर सवाल, ये दिया गया है a बराबर 2-3-4-2 और b बराबर दिया गया है 1-2-3-5। तो यहाँ से सबसे पहले ज्ञात करना है a प्लस बी ज्ञात कर लेते हैं a प्लस बी। तो सबसे पहले a का मान पुटअप करेंगे, तो ये आ जाएगा 2-3-4-2 प्लस b का मान 1-2-3-5। यहाँ से 2 में 1 जोड़ेंगे, 2 एक 3 हो जाएगा, 4-3-7 हो जाएगा, 3 से -2 को माइनस करेंगे तो ये +1 बचेगा, और 2 में 5 जोड़ देंगे, दोनों प्लस के हैं, तो ये आ जाएगा 7। ये मान आपका आ गया a प्लस बी का, यहीं से निकालना है अब a माइनस बी निकाल लेते हैं। तो a माइनस बी, सबसे पहले a का मान 2-3-4-2 माइनस 1-2-3-5। यहां से सॉल्व करेंगे तो 2 साइन के साथ इसको लेंगे तो ये -1 आ जाएगा, 4-3-3 माइनस लगा है ऑलरेडी यहां पर माइनस है, तो माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा यहां पर 2 और माइनस साइन के साथ, तो ये माइनस का 5 हो जाएगा। यहाँ से 2 से 1 को माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, 4 से 3 को माइनस करेंगे तो 1 बचेगा,
थ्री में टू जोड़ेंगे तो फाइव हो जाएगा, और फाइव से टू को माइनस करेंगे तो आ जाएगा माइनस थ्री। ये माना गया ए माइनस बी का। आई होप आप लोगों के समझ में आएगा। तो यहाँ से दो नंबर तक आपके क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं। अब यहाँ से बताना है तीन नंबर के क्वेश्चन, जो कि दो नंबर में पूछे जाते हैं। तो यहाँ से जो इसका क्वेश्चन दिया गया है तीन नंबर का पहला, और ये दो दो नंबर के क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। यदि y बराबर a cos थीटा प्लस b sin थीटा, तो सिद्ध कीजिए कि d2y टू वाई बाई डी थीटा टू ये बराबर माइनस y की होगा। तो यहाँ से समीकरण पहले फाइंड आउट कर लेते हैं, और आपको पता है कि d2y बाई डी टू यानी इस समीकरण का हमें दो बार अवकलन करना है। थ्री का नंबर सवाल है, y बराबर a cos थीटा प्लस बी साइन थीटा, यहाँ से थीटा बराबर में थीटा है तो थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे, लिखेंगे थीटा के सापेक्ष। अवकलन करने पर, और आप लोगों को पेपर में भी ऐसे ही उतारना है, तो y का हो जाएगा dy वाई बाई डी थीटा बराबर ए हो जाएगा डी बाई डी थीटा करना है कॉस थीटा का, प्लस बी कांस्टेंट वैल्यू है बी लिखेंगे, डी बाई डी थीटा साइन थीटा का करना है तो ये हो जाएगा साइन थीटा। यहाँ से डी वाई बाई डी थीटा बराबर ए कॉस थीटा का आपको पता है, जो अवकलन करते हैं तो ये आ जाता है माइनस का साइन थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा प्लस बी, और साइन थीटा का अवकलन होता है कॉस थीटा, तो आ जाएगा प्लस का कॉस थीटा। यहाँ से डी वाई बाई डी थीटा बराबर माइनस ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, इसका दो बार अवकलन करना है तो लिखेंगे पुनः पुनः थीटा के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे। यहाँ से पुनः थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर पुनः थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यह आ जाएगा डी टू वाई बाई डी थीटा टू, ये बराबर होगा माइनस ए डी बाई डी थीटा, यहाँ पर अवकलन करना है साइन थीटा का प्लस बी कांस्टेंट वैल्यू है, डी बाई डी थीटा अवकलन करना है कॉस थीटा का। यहाँ से डी टू वाई बाई डी थीटा टू माइनस का ए साइन थीटा का अवकलन प्लस कॉस थीटा होता है तो ये कॉस थीटा आ जाएगा प्लस बी, और कॉस थीटा का अवकलन माइनस का साइन थीटा होता है तो ये हो जाएगा माइनस का साइन थीटा। यहाँ से गुणा करेंगे ए का कॉस थीटा से तो ये आ जाएगा डी टू वाई बाई डी थीटा टू, ये आ जाएगा माइनस का ए कॉस थीटा और माइनस का बी साइन थीटा। यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं तो डी टू वाई बाई डी थीटा टू ये बराबर आ जाएगा माइनस ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा। यदि यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो साइन यहाँ से चेंज हो जाएंगे। आपको पता है ए कॉस थीटा टी सॉरी ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा ये वाई के बराबर फंक्शन में दिया गया था, तो यहाँ से लिख लेते हैं, चूंकि जो a cos थीटा प्लस b sin थीटा है ये y के बराबर है, तो यहाँ पर इतने के स्थान पे y पुट अप कर देंगे तो ये मान आ जाएगा आपका d2y टू वाई बाई डी थीटा टू बराबर माइनस y के, और यही आपको सिद्ध करना था। आई होप आप लोगों के समझ में आया होगा, और आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। यदि
अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।